तंगी की गई। आपको बता दें कि बड़ा मामला कोर्ट से, जहां आपको बता दें कि साइबर क्राइम के दौरान बड़ा खुलासा किया, बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो आरोपी ने 1000 करोड़ लोगों को निशाना बनाकर करीब 1 करोड़ की साइबर ठगी को दिया जवाब। 7 राज्यों के पुलिस थाने में आरोपी है वांटेड पोस्टर पे। एलएलबी परीक्षा सेंटर के बाहर खड़े वाहनों को करते थे टारगेट। आरोपियों से 3 लाख की नकदी, 5 लाख के ब्रांडेड कपड़े, फोन में कार की जब्त की गई। लग्जरी लाइफ जीने के शौक में करते थे वारदात। कोर्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ये लगभग महीने भर पहले पनियाला और कोटपुतली थाना क्षेत्र में एक FIR जो दर्ज हुई थी, जिसमें हमें पता लगा कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो गाड़ियां पार्क रहती हैं, उनको उनके शीशे और दरवाजे खोलकर उनमें रखे सामान, जिसमें कि पर्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल और उसका सिम, इनकी चोरी की गई थी और उसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए गए थे। जब इसको डेवलप किया गया तो पता लगा कि इस तरह की वारदात देश के और भी प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर कारित की गई है। और जब फर्दर इसको साइबर सेल द्वारा, जो कि जिसमें हमारे हेड साहब हैं, उन्होंने इसको और गहनता से जब इसकी जांच की, तो इसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र और प्रिंस है, वो सामने आए।